नमो सिद्धाणम नमो आयिरियाडम नमो वज्जायाडम नमो लोये सवसावुणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि सफल होना है तो उसके बहुत सारे अचूक उपाय हैं और असफल होना है तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं। यद्यपि असफलता का मुंह देखना किसी को पसंद नहीं है, संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो असफल होना चाहता हो, फिर भी असफल होते भी लोग देखे जाते हैं और उनकी असफलता का कारण वो ही है। कहीं ना कहीं चूक हो गई है इसलिए असफल हैं। अगर सफल होना है तो अचूक रहना पड़ेगा। कई लोग मद में आके असफल होते हैं, कई लोग कसाई में आकर के असफल होते हैं, कई लोग बिना होश के काम करने के कारण असफल होते हैं। तो कुल मिला के असफल होने के बहुत सारे कारण हैं और सफल होने के भी बहुत सारे कारण हैं। करना क्या है हमें, तो असफल होने वाले कारणों से बचना है और सफल होने वाले कारणों में लगना है, बस इतना सा काम है। समझदार व्यक्ति इशारों को समझ जाता है, ना समझ के लिए किताब भी कोई काम की नहीं। आज की नीति में कह रहे हैं कि जीवन के संघर्ष में वे ही सफल होते हैं जो शांत रहना और धैर्य रखना सीखते हैं। अगर आपको सफल होना है शांत रहना पड़ेगा, किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए धैर्य रखना पड़ेगा, भड़बड़ी नहीं करना पड़ेगी, हाय बाप करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा धीरज तो रखना पड़ेगा। आप सोचो कि कोई काम आपके सामने आया और आप भड़बड़ी में पूरा कर लो, बिगड़ेगा। जो लोग जल्दबाजी में काम करते हैं वो डबल नुकसान करते हैं, अपना भी और कई बार दूसरों का भी। तो शांत रहना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। ये तो हो गया करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, सावधानी साथ में रखना चाहिए, डरपोक और कायर भी नहीं बनना चाहिए। शांत रहना और धीरज रखना ये बहुत टॉप लेवल की चीज है, और डरपोक बनना कायर बनना बहुत लोअर लेवल की चीज है। शांत रहने का ये मतलब नहीं होता कि डरपोक बन जाए, धैर्य रखने का ये मतलब नहीं होता कि अपन कमजोर हो जाए, कायर हो जाए। जब राम की सीता का हरण हुआ, सीता का हरण हुआ तो राम शांत थे, राम ने धीरज रखा था, राम डरपोक नहीं थे, कायर नहीं थे। सुग्रीव ने कहा कि मेरी पत्नी ढूंढ दो, तो राम ने कहा ठीक। वो जो सुग्रीव के यहाँ झगड़ा चल रहा था राम ने निपटा दिया। अब इसके बाद राम ने सुग्रीव से कहा कि मेरी पत्नी का पता बताओ कहाँ है। सुग्रीव ने पता किया, हनुमान को भेजा। हनुमान को भेजने के पहले की कथा है, मालूम चल गया कि सीता तो रावण के पास है। सुग्रीव आकर कहता है मेरी सारी कन्याएं तुम्हारी, मेरी सारी कन्याएं आपकी, मेरी कन्या पत्नी भी तुम्हारी, सब रख लो, विद्याधरों की सारी कन्याएं रख लो, लेकिन सीता को भूल जाओ। क्यों भूल जाऊं, बोले वो रावण के पास है, लाना मुश्किल है, नामुमकिन है। राम कहते हैं तुमसे पता पूछा है, छोड़ने के लिए नहीं कहा है। राम शांत थे, धैर्यवान थे, लेकिन राम डरपोक नहीं थे। आप लोग शांत और धैर्य के साथ साथ रखते हो, शांत तो रहते हो, धैर्य रखते हो, लेकिन डरपोक हो जाते, कायर हो जाते हो, पीछे हटने लगते हो। पीछे नहीं हटना, जो प्रण लिया है
उसको पूरा करना, लेकिन डरना नहीं, डटे रहना, शांत रह करके, धीरज रखकर, शांति और ऊर्जा का संग्रह करके फिर अपन अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। सफल नहीं, सफलतम होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका व्यापार, आपके परिवार का नाम या आपके वंश परंपरा आने वाले कई भवों तक वो चले, तो उसके लिए एक उपाय है, आने वाली पीढ़ी को पढ़ा के जाना। स्कूल कॉलेजेस नहीं, आने वाली पीढ़ी को अपने पूर्वजों के बारे में, अपने बारे में पढ़ा के जाना कि तुमको आगे करना क्या है। व्यापार करना, शांत रहना, धीरज रखना, जम के व्यापार करना, जम के दान करना, धर्म करना, कर्म भी करना, समझा के जाना पड़ेगा। जो आप समझाओगे वो बाहर का आदमी नहीं समझा पाएगा, और जिस दिन उसके समझ आ गई फिर कोई जरूरत ही नहीं किसी की। इसलिए डरपोक नहीं बनना, कमजोर नहीं बनना, कायर नहीं बनना, मैं तो शांत रह के काम करना है। जब आपका माइंड कूल होता है तब नए नए आइडियाज आते हैं। आप किसी भी समस्या को या असफलता को सफलता में बदलना चाहते हो, समाधान में बदलना चाहते हो, तो थोड़ा शांत होकर के बात चीजों के बारे में विचार करो। माना कि यहां ऊपर ये जो फ्लैग लगे हुए हैं निकालना है, निकालना है। अब कैसा करें, यहां एक डंडा पकड़ो, डंडे से मारो, तोड़ो रस्सी, ये मूर्खता है। शांति रखो, धीरज रखो, काम मिला है ना, सोचो कैसे करना है। इस पर एक हाइटेड चीज रखो, तुरंत एक बार में निकाल लो, मेहनत कम लगेगी, सफलता बड़ी मिलेगी। सफलता का ये अचूक उपाय है शांत रहना और धीरज रखना। शांत रहने का ये मतलब नहीं है कि क्रिया शून्य हो जाना, शांत रहने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल हाथ पर हाथ रख के बैठ जाना, नहीं नहीं, अंदर से शांत हो जाना और बाहर से अपनी तैयारी पूरी करते रहना। किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर कोर्ट केस कर दिया, तो ये आपके घर में आईटी वाले आ गए, शांत रहो, शांत रहो, इसका मतलब मौन होकर के मुख में टेप लगा के मत बैठ जाना। शांत होने का मतलब अपने जो मन उद्वेलित हो रहा है, मन में जो लहरें आ रही हैं उनको शांत करो, बाहर तो 1000% एक्टिव होना है, ये होता है शांत रहना। आप लोगों ने शांत रहना मतलब मौन, बोलना तो पड़ेगा, एक्टिविटी तो करना पड़ेगी। किसी व्यक्ति को आपने पैसे दिए और उसने आपके पैसे वापस देने से मना कर दिया, शांत रहो, धैर्य रखो, इसका मतलब अपना पैसा उसको दे दें, एक रुपये नहीं छोड़ूंगे, एक रुपये नहीं छोड़ेंगे, सब लेंगे। कैसे, शांत रहकर, मन में संकलिश्ता नहीं करेंगे, मन में एक धीरज का बांध बांधेंगे, लेकिन बाहर चलते रहेंगे। जो बाहर चलते रहोगे वो शांति के साथ बाहर चलना तुम्हारे लक्ष्य तुमको लेकर दे करके जाएगा। इसलिए आज से शांत रहने की परिभाषा बदलना। जब कभी कोई उधेड़ बुन मन में आए, लगे कि काम बिगड़ रहे हैं, संकलेशता हो रही है, ऐसा हाथ करना और दिल पर ऐसा रखे बोलना, शांतता ठेवा, बोलो शांतता ठेवा, शांतता ठेवा, कि अभी शांत रहो, अंदर से मन से कह रहे हैं कि तुम शांत हो जाओ, रो मत, विकल्प मत करो, संकलेशता मत करो, उछल कूद मत करो, धैर्य रखो, बाहर से एक्टिविटी रखो, उसके लिए क्या करना है। कई बार व्यक्ति सरल चीजों को भी बड़ी मेहनत से प्राप्त करता है क्योंकि वो शांत नहीं रहता। दो घटनाएं मैंने जो पढ़ी, बड़ी मुझे प्रभावित करी। एक राजा ने अपने राज्य को के मंत्री के लिए चयन करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया और हजारों लोग उसमें मंत्री बनने आए। बहुत ढूंढा, बुद्धि का बहुत प्रयोग करने के बाद दो लोगों को सिलेक्ट किया गया और उन दोनों को महल के 10वें माले के कमरे में बंद किया गया।
जिसमें एक भी खिड़की नहीं थी, दरवाजा अकेला था, और उनसे कहा कि बाहर निकल के दिखाओ। एक सोचता था कि निकलने का तो कोई उपाय नहीं, कहाँ से निकलेंगे। दूसरा खड़ा हुआ, उसने गेट खोला, बाहर निकल गया। गेट लगा ही नहीं था। कई बार ज्यादा दिमाग चलाने वाले छोटी मोटी चीजें नहीं कर पाते, क्योंकि अशांत हो जाते हैं। वो जो दूसरा था खड़ा हुआ, उसने गेट खोला, बाहर निकला और मंत्री बन गया। तो वो कहता है कि राजन ये कहाँ की परीक्षा है। राजा कहता है भैया यही तो बुद्धि की परीक्षा है कि कठिन चीजों को कठिनाई से और सरल चीजों को सरलता से सुलझाना आता है कि नहीं। सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही थी, दूसरी घटना बताता हूं। सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही थी, चार सैनिकों से कहा गया कि अंदर टेररिस्ट हैं, अंदर जाओ गेट के और उनको शूट करना है। और उसमें से एक उचका, उसने गेट पे 5-7 बार पैर मारा, गेट ही नहीं टूटा। उनका जो कमांडर था बोला रुक, उसने गेट खोला, जाओ। कई बार भड़बड़ी में, जल्दीबाजी में भी चीजें बिगड़ जाती हैं। सरल काम को करने के लिए कठिन तरीके ना ढूंढें, कठिन काम को करने के लिए सरल तरीके ना ढूंढें। सुई का काम सुई से करें और तलवार का काम तलवार से करें। अगर आपने लड़ाई करने पहुंच गए सुई से और सिलाई करने पहुंच गए तलवार से, असफल हो जाओ। जब भी सफल होना हो तो पहले देखें, गौर से देखें, ये जो मैं काम कर रहा हूं, ये मेरे पास टास्क आई है, प्रॉब्लम आई है, इसका सॉल्यूशन छोटा है कि बड़ा। थोड़ी सी कुछ बात हुई नहीं कि सीधा पारा 150, छोड़ेंगे नहीं उसको। अरे क्यों नहीं छोड़ेंगे, छोड़ दो उसको, छोड़ना ही तो है, पास में थोड़ना रखना है। और सफलता एक अचूक उपाय, व्यक्ति की, आदमी की पहचान बसने से। अगर तुम्हारा साथ का आदमी तुमको धोखा दे रहा है, पीठ पीछे तुम्हारे शत्रु के पास तुम्हारी खबर दे रहा है, ऐसे मित्र दिखने वाले को भी पास में मत रखना, असफल रहोगे। जो आपके आइडियाज लीक कर रहा है, और इसका परीक्षा का तरीका बताता हूँ आपको। शंका है किसी व्यक्ति पर, उससे एक ऐसी बात बोलो जो किसी को नहीं बताओ। वो अगर मार्केट में लॉन्च करते, मतलब यही है लूपहोल, यही लूपहोल है। मैं तो लेकिन इसका डबल उपयोग करता हूँ। जब मुझे मालूम चलता है कि लूपहोल है, ये फलाने का आदमी है और वहाँ रिपोर्टिंग करेगा, तो जो मुझे पहुँचाना है मैं वही कहता हूँ, तो चीज़ें इजीली हो जाती हैं। ये बात नीति को आपको सीखना है। आपके जीवन में भी बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसको सफल होना है वो कठिन काम के लिए सरल उपाय नहीं खोजेगा, और सरल काम के लिए कठिन उपाय भी नहीं खोजेगा। जो काम हथौड़ी से हो जाता है वहां ग्रेनाइट नहीं लगाया जाता है, और जहां ग्रेनाइट लगा कर काम होता है वहां हथौड़ी से काम नहीं होता। लेकिन शांत रह करके, धैर्य के साथ, मुझे लगता है कि आज आपको पहली बार शांति की परिभाषा समझ में आई होगी। शांत रहने का ये मतलब नहीं कि मौन, हाथ पर हाथ रख के बैठ जाओ। धैर्य का ये मतलब नहीं कि चद्दर उड़ के सो जाओ। इनका मतलब ये है कि मन को उद्वेलित होने मत दो, मन जो तड़प रहा है उसको तड़पने मत दो, मन को शांत रखो, बाहर कई गुना अधिक एक्टिव रहो। और अंदर रहोगे शांत, बाहर रहोगे एक्टिव, सफलता निश्चित मिलेगी। कि सफलता का अचूक उपाय, मैं एग्ज़ाम के लिए गया, और जब मैं एग्जामिनेशन के लिए गया तो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम 12th क्लास का। अपन ने तो देखा भैया शुरू के 10 क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहे, क्या करें, शांति। मैंने कहा टीचर से, मैडम हेड डाउन करना है, सिर दुख रहा है, मैं तो 15 मिनट सो गया। 12th CBSE बोर्ड, मैं सो गया 15 मिनट बाद उठा, फ्रेश, शांत हो गया मन। जब मैं शांत हुआ तो अंदर से आवाज आई, जितना बनता उतना तो करो। बहुत मुश्किल से करने के बाद 22-25 नंबर का हो गया, पास होने के लिए 35 चाहिए। पीछे वाले से बोला भैया बता,
बोले नहीं, मैंने कहा तेरे को पेपर ही करने नहीं दूंगा। पांच नंबर का उसने बताया, पांच नंबर का सामने वाले ने, कितने हो गए अभी 25 पर तो मुझे विश्वास था मैं, क्योंकि मैं शांत था। फिर जो पांच पांच नंबर का पूछा वो इस तरफ और इस तरफ वाले से कंफर्म किया सही है कि नहीं, 35 नंबर का सही है। हाँ अपन ने सीट जमा कर दी, हटा जो होगा सो देखेंगे, पासिंग मार्क्स ये तो हो गए। डॉक्टर बनने के बाद कौन पूछता है कितने परसेंटेज है, MBBS बात खत्म ये। लेकिन आइडियाज तब आएंगे जब आप शांत रहेंगे। मैं एक बात बताता हूँ, नीतिकार कहते हैं कि शांत रखने से और धीरज रखने से आधी लड़ाई तो जीत ली जाती है। अगर आप शांत हैं और धैर्य रखें आधी लड़ाई तो जीत लेंगे। ये शांत रहना अंदर वाला, बाहर वाला नहीं, बाहर तो एक्टिव रहना है, अंदर मौन, अंदर शीतलता, बाहर रहो एक्टिव। और ये शांति और धैर्य आधी लड़ाई तो यही जीता जाता है। राम को आधी लड़ाई तो शांति ने और उनके धैर्य ने जिता दी, और जो बाकी का बचा काम था वो उनकी ऊर्जा ने कर दिया। तो बाहर रहे सक्रिय, अंदर रहे निष्क्रिय, अंदर रखे मौन, अंदर रहे शांत और बाहर रहे एक्टिव। मन को बोलना कभी गर्म नहीं होना है, मौसम गर्म है तुम ठंडे रहो, बिल्कुल शांत रहो अंदर से और बाहर से रहो 101% एक्टिव। जितनी फुर्ती से जितनी ऊर्जा से पहले करते थे काम, उससे कई गुना अधिक ऊर्जा से फिर से करो काम, तब आप निश्चित सफल होगे। बिजनेस हो, स्टडीज हो, जॉब हो, वर्कलोड हो, आप संस्था के व्यवस्थापक हो, आपने कोई जिम्मेदारी ली है, कोई बात नहीं धीरज रखो। आपने कोई बहुत बड़ा ऑर्डर लिया, लेबर भाग गई, क्या करोगे, धैर्य, अंदर से शांत रहो। छोड़ेंगे नहीं उस ठेकेदार को, एडवांस कैसे लेगा, जहां मिलेगा वहीं मारेंगे। असफल, अरे तुम सोच रहे हो कि मारेंगे तुम कर क्या पाओगे, पहले काम पूरा करो फिर समझना। धैर्य रखो, तुम्हारे सिर पर टास्क है, ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो काम पूरा कर दे, काम पूरा कर दे, फिर आगे अपन देखेंगे। पहले रावण को हरा तो दें, फिर देखेंगे कि बंदी बनाना है कि निपटाना है कि झाड़ू लगवाना है। पहले आप हराएं तो फिर आगे बात चलेगी। ये नीति आपके जीवन के लिए बड़े काम की है। शांति और धैर्य, ये आपके जीवन के आधे काम तो आधी समस्याएं तो यहाँ निपट जाती। जैसे एक व्यक्ति को सर्दी है और सीने में दर्द हो रहा है और हाथ उठाने में बड़ी तकलीफ हो रही है, अटैक तो नहीं आ गया, क्या हो गया है, सांसें लेते नहीं बन रही, डॉक्टर के पास गया और आधी समस्या समाप्त। डॉक्टर ने कहा गैस्ट्रिक है, आधा तो ठीक, आधा ठीक, और फिर आधा दवाई खाने से ठीक। ऐसी शांत और धैर्य रखने से आधा ठीक और आधा काम ऊर्जा करती है। इस प्रकार से इस नीति को अपने जीवन में उतारना, कभी भी असफल नहीं होगे, सफलता तुम्हारे पैरों में डली रहेगी। कुछ चीज़ों को जोड़ना और कुछ चीज़ों को हटाना, सफल हो जाना, शेष आगे देखिए।